लोकसभा चुनाव पास आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं में नई चेतना को जगाने का प्रयास भी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है, प्रदेश का तीसरा विकल्प देने का प्रयास कर रही है और प्रत्येक जिला में जाकर प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। सोलन में भी आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष निकाराम पटियाल ने की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। स्थानीय समस्याओं के बारे में भी लोगों से जानकारी हासिल की। प्रदेश अध्यक्ष निकाराम पटियाल ने कहा कि उनका दल आने वाले चुनावों में चारों की चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगा और अवश्य ही जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जहां उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में भाग लेगी, वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी आज से ही कमर कस ली गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा के कारण महंगाई से त्रस्त है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रदेश में चरमरा चुकी हैं, विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं, इसलिए हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी उसका इकलौता विकल्प है। सोलन में जो ये सभा करी है, ये संगठन को मजबूत करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हमने बीड़ा उठाया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये मीटिंग थी और आगे 2019 के इलेक्शन के जो बारे में चर्चाएं करी, कैंडिडेट के बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि हम चारों सीटों पे जो है एमपी के चारों सीटों पे जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद हम 2022 की भी फुल तैयारी करेंगे और हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे।